आवाज की दुनिया के दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वीडियो के लिए, डीएसएलआर वीडियो कैसे करें और डीएसएलआर वीडियो में किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहला अहम मुद्दा आता है FPS यानी कि फ्रेम पर सेकंड। तो फ्रेम पर सेकंड क्या है? जैसे कि आप अपने कैमरा में रखते हो 24 FPS, 24 FPS इज इक्वल टू एक सेकंड में 24 फोटो खींचना, 25 FPS इज इक्वल टू एक सेकंड में 25 फोटो खींचना। वीडियो दरअसल एक आंखों का धोखा है, एक फरेब है, ये बात सच है। ये FPS इज इक्वल टू फोटो खींचना यानी कि वीडियो तो है लेकिन उसमें फोटो ही है, 25 FPS इज इक्वल टू एक सेकंड में 25 फोटो खींचना। तो इसके लिए हम मेन किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले आपको वीडियो के लिए एक अहम मुद्दा है NTSC और PAL। अभी तक हमारे वेडिंग फोटोग्राफर इस चीज में कंफ्यूज है लेकिन आज की डेट में अगर माना जाए तो NTSC और PAL कॉमन हो गया है। दोनों में कॉमन जो FPS आता है वो है 24 FPS। ज़्यादातर आप जो कमर्शियल फिल्म्स देखते हैं वो 24 FPS में शूट होती है, इससे ही आपकी वीडियो का फिल्म लुक आता है। अगर ये प्रॉपर 24 FPS से अगर कम होगा तो वीडियो में झरक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में आपने देखा होगा उसमें झरक आते रहते हैं, तो ऐसे झरक आपके वीडियो में भी आ सकते हैं, इसीलिए 24 FPS स्टैंडर्ड फिल्म लुक के लिए है। कॉमर्शियल फिल्म में अगर 24 FPS में शूट होती है तो क्या हमें भी वेडिंग फोटोग्राफर को 24 FPS रखना चाहिए? नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए स्टैंडर्ड रहता है 25 FPS। 25 FPS सबसे अच्छा FPS इसलिए है क्योंकि वो 24 FPS के बहुत ही करीब है। दूसरा, 25 FPS से आप इंडोर आउटडोर कहीं भी जाओगे, आपको टंगसन लाइट से, कोई भी लाइट से, सनलाइट से, उसमें आप आराम से शूट कर सकते हो, इसमें फ्लिकर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप 30 FPS शूट करते हो तो शटर स्पीड मेंटेन न होने के हिसाब से कभी भी आपके वीडियो में फ्लिकर आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में जो पावर है वो 50 Hz के हिसाब से है, तो उसके हिसाब से बिजली में फ्लिकर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर आपने फ्लिकर्स देखे होंगे वेडिंग इवेंट में जो बैकग्राउंड में LED लाइट यूज़ करते हैं, तो LED लाइट्स के अंदर ज़्यादातर फ्लिकर आने के चांसेस रहते हैं, जो हमारे इंडिया में अहम बात है। इसीलिए 24 FPS पे शूट न करते हुए आप 25 FPS स्टैंडर्ड अपना रख के पूरी वेडिंग या वेडिंग की सिनेमेटोग्राफी या प्री वेडिंग की सिनेमेटोग्राफी 25 FPS पे कर सकते हो। इंडिया और बहुत सारे देशों में अभी भी आप 25 FPS पे शूट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे बिजली 50 Hz पे ऊपर रहती है। अमेरिका, जापान, वहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड शटर स्पीड 30 FPS आप रख सकते हो क्योंकि वहाँ की बिजली 60 Hz पे चलती है। इसीलिए हमारे इंडिया में पहले, अभी तो काफ़ी सारा कॉमन हो चुका है NTSC और PAL, लेकिन पहले NTSC और PAL को अलग अलग करना पड़ता था, इसीलिए इंडिया में स्टैंडर्ड 25 FPS, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ क्योंकि इंडिया में बिजली 50 Hz के ऊपर चलती है और यहाँ पे अगर आप 30 FPS रखते हो तो आपकी शटर स्पीड मेंटेन न करते हुए आपके फ्लिकर आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन इंडिया और काफ़ी सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पे अभी भी आप 25 FPS यानी कि वहाँ की बिजली 50 Hz के ऊपर है और वो आपका हो जाएगा PAL। जैसे कि इंडिया में PAL चलता है और जैसे हो गया अमेरिका, जापान, जहाँ पे बिजली 60 Hz पे चलती है वहाँ पे आपकी FPS यानी कि फ्रेम पर सेकंड रहेगा 30, क्योंकि वहाँ की बिजली 60 Hz के ऊपर चलती है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आप कोई टेलीविज़न या स्पेशल कोई ब्रॉडकास्टिंग चैनल के लिए वर्क कर रहे हो कि जहाँ पे आपको फुटेज ग्रैब करके देनी है तो आपको हमेशा 25 FPS पे शूट करना चाहिए इंडिया में।
परंतु आप अगर YouTube के लिए वीडियो बना रहे हो या आपकी सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बना रहे हो तो उसमें ये चीज़ मायने नहीं रखती है। आप अपने मन की मर्जी के मुताबिक 24fps, 25fps, 30fps रख सकते हो। अब बात करते हैं शटर स्पीड की। सिनेमेटोग्राफी के रूल्स के हिसाब से fps के डबल आपकी शटर स्पीड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों को आदत है नेचुरल मूवमेंट देखने की, तो नेचुरल मोशन मूवमेंट देखने के लिए आपके fps से डबल आपकी शटर स्पीड होनी चाहिए। अगर आप 24 fps रखते हो तो क्या आप अपने कैमरे में 48 की शटर स्पीड रखोगे? नहीं रखो, क्योंकि आती ही नहीं है। तो वहां पे आप 50 की शटर स्पीड रख सकते हो। 25fps इज इक्वल टू 50 शटर स्पीड और 30fps इज इक्वल टू 60 शटर स्पीड आप रख सकते हो। अगर आप इसके मुताबिक नहीं चलते हो तो आपकी जो मोशन मूवमेंट जो होगी वो नेचुरल नहीं दिखेगी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि झरक आ रहा है या कुछ प्रॉब्लमेटिक या एक फिल्म लुक वो नहीं देगा। तो अगर आप कॉमर्शियल फिल्म शूट करते हो तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप YouTube के लिए वीडियो बना रहे हो या अपने सोशल शौकिया वीडियो बना रहे हो तो आप मनमर्जी कुछ भी कर सकते हो। अब आते हैं एपेचर यानी कि एपस्टॉप पे। सबसे अहम मुद्दा, क्योंकि आपका वीडियो का फिल्म लुक तभी आता है जबकि आपके वीडियो में सैलो डेप्थ ऑफ फील्ड हो। सैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे फोरग्राउंड में अभी कुछ बोके लाइट्स है, बैकग्राउंड में कुछ बोके लाइट्स है और ये ऑब्जेक्ट यानी कि मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तो ऑब्जेक्ट फोकस में है, फोरग्राउंड ब्लर है, बैकग्राउंड ब्लर है, तो इससे एक फिल्म लुक बनता है। फिल्म लुक बनाने के लिए आपका एपस्टॉप खुला हुआ होना चाहिए। जबकि आप लेंस यूज़ कर रहे हो 50mm 1.8, दुनिया का सबसे बेहतरीन लेंस, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा लेंस 50mm 1.8। अब आप 50mm 1.8 लेंस यूज़ कर रहे हो और उसमें भी आप एपस्टॉप यूज़ कर रहे हो 11 या 14, तो वहाँ पे आपको अपना फिल्म लुक नहीं मिलेगा। आपको मेंटेन करना पड़ेगा एपस्टॉप 1.8। जबकि आप धूप में शूट कर रहे हो या हार्ड लाइट में शूट कर रहे हो तब सिनेमेटोग्राफी के सारे रूल्स अगर आप फॉलो करते हो तो fps के अकॉर्डिंग डबल आपकी शटर स्पीड होनी चाहिए और आपका एपस्टॉप डाउन होना चाहिए यानी कि खुला हुआ होना चाहिए। तो जब आप फिल्म लुक के लिए एपस्टॉप खोलते हो तो आपका वीडियो बर्न हो जाता है। तब मैं आपको ये कुछ फुटेज शेयर कर रहा हूँ कि इसमें मैंने क्या चीज़ अप्लाई की। एनडी फिल्टर्स यानी कि कैमरे के लेंस के आगे लगाने वाला एक चश्मा। अगर जैसे ही आप धूप में निकलते हो तो आप धूप में चश्मा पहनते हो और आपको सब कुछ सारी चीज़ें बेहतरीन लगती है, वैसे ही आप लेंस के आगे जैसे ही आप एनडी फिल्टर लगाओगे तो आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। तो लाइट कंट्रोल करने के लिए और आपके एपस्टॉप को मेंटेन करने के लिए एनडी फिल्टर काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप एक सिनेमेटोग्राफी के सारे रूल्स को फॉलो कर सकोगे। fps के डबल आपकी शटर स्पीड, जिससे आपका नेचुरल मूवमेंट मिलेगा, वीडियो में झरक आने के चांसेस कम हो जाएंगे और एपस्टॉप खुला हुआ होने के हिसाब से आपके वीडियो में सैलो डेप्थ ऑफ फील्ड बनेगा जिससे आपके वीडियो का फिल्म लुक आएगा। वीडियो के लिए अब बात करते हैं आईएसओ की। ISO हो सके उतना कम रखो, क्योंकि ISO ज़्यादा बढ़ाने से आपके वीडियो में गेन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन कभी कभार हम वेडिंग शूट करते हैं तो नाइट में कभी कभार लो लाइट के हिसाब से कितने सिनेमेटोग्राफर्स या कितने कैमरामैन को मैंने देखा है जो ISO बढ़ा देते हैं। आज की डेट में आपको एक कॉम्पैक्ट LED लाइट्स मिल जाती है, वो साथ में कैरी करें, उसके हिसाब से आप DSLR यूज़ कर रहे हो और ज़्यादा एपस्टॉप वाला यानी कि ओपन एपस्टॉप वाला आप लेंस यूज़ कर रहे हो तो आपको लो लाइट की दिक्कत बहुत ही कम रहेगी। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको ISO का कैलकुलेशन बताने जाऊँ तो ISO स्टैंडर्ड आपका 100 रहेगा और 160, 320, 640, 1250 और 2500 ISO में आपके गेन आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको लो लाइट में अगर ISO खोलना है तो 3200 तक जाइए। उसके ऊपर जाने से आपका कोई भी कैमरा होगा वो पिक्चर क्रिएट करने के लिए आपके कैमरे में गेन लाएगा। ये ISO हो गया। अब बात है
वाइट बैलेंस की। जब से कैल्विन आया है तब से मैं एक ही बात करता हूं कि आपका वाइट बैलेंस कैल्विन के हिसाब से यानी कि मैनुअल होना चाहिए, ऑटो वाइट बैलेंस ना रखे। क्योंकि ऑटो वाइट बैलेंस से क्या होता है, अगर आप इंडोर आते हो और इंडोर में टंगसन लाइट से, तो टंगसन लाइट के हिसाब से वो अपना वाइट बैलेंस अपने हिसाब से चेंज करता है और वहाँ पे आपका फुटेज येलो या ब्लूइश हो जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए आप अपना वाइट बैलेंस कैल्विन पे ही रखें। लेकिन जब वेडिंग में मल्टी कलर लाइटें यूज़ होती है तब जाके हमारा कोई वाइट बैलेंस नहीं बैठता है, तब आप अपना वाइट बैलेंस ऑटो रख सकते हो। ऑटो वाइट बैलेंस वहाँ पे रामबाण बन जाता है। और अब बात आती है प्रोफाइल की। पिक्चर प्रोफाइल आप जब अपने कैमरे में रखते हैं तो पिक्चर प्रोफाइल पोर्ट्रेट स्टैंडर्ड वो न रखते हुए आज की डेट में एक सिनेमा लॉग, सिनेमा लॉग में इसे बोलूँगा जैसे कि डिसेचुरेट प्रोफाइल जो रहती है, न्यूट्रल प्रोफाइल जो रहती है वो, जैसे कि अभी पैनासोनिक हमें दे रहा है वी लॉग, तो ऐसे ही अगर आपके पास जो कैमरा है उसमें अगर आपके पास पिक्चर प्रोफाइल वी लॉग नहीं है या तो सिनेमा लॉग नहीं है, तो सिनेमा लॉग के लिए मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं कि आप अपने कैमरे में सिनेमा लॉग कैसे बनाएं। तो नेक्स्ट कभी भी मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो आपको वो भी वीडियो दिखेगा। अब सबसे अहम मुद्दा है फोकस। काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट और फॉलोवर्स मुझे पूछते हैं कि DSLR में फोकस कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं फोकस मैनुअल ही करें। क्योंकि जब सिनेमेटोग्राफी की बात चलती है और आप अपने आप को सिनेमेटोग्राफर कहते हो तो आपको मैनुअल फोकस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हालांकि मेरे पास अभी काफ़ी सारे अच्छे और काफ़ी अपग्रेडेड कैमरा है जिसमें ऑटो फोकस के बहुत सारे पॉइंट और ऑटो फोकस की काफ़ी सारी फैसिलिटी दी गई है, लेकिन वो सब इमरजेंसी में यूज़ करना चाहिए या तो फिर आपकी वाइडर फ्रेम में। जब आपकी क्लोजर फ्रेम हो तब आप हो सके उतना मैनुअल फोकस यूज़ करें। इससे क्या होगा कि आपको पूरा फ्रीडम मिलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और आप कौन सी चीज़ फोकस करना चाहते हो, और इसी हिसाब से आप अपना फोकस मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ऑटो फोकस यूज़ करते हो तो आपके फोकस आउट जाने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अब बात आती है स्लो मोशन की। आज की डेट में हम किसी भी प्री वेडिंग या पूरी प्री वेडिंग स्लो मोशन में शूट की गई हमने देखी है, और स्लो मोशन बहुत ही लुभावना लगता है। आज धनुष जैसा हीरो भी अगर स्लो मोशन में एंट्री करे तो वो प्रभास जैसा बाहुबली दिखता है। स्लो मोशन इतना ही लुभावना लगता है। आप अगर प्री वेडिंग जब शूट कर रहे हो और आपके कपल का शॉट, इंट्रोडक्शन शॉट स्लो मोशन में शूट करो, लेकिन मैंने देखा है कि पूरी की पूरी वेडिंग स्लो मोशन में शूट कर देते हैं, वहाँ पे ये बात कुछ हजम नहीं होती। जब आप वेडिंग कर रहे हो तो वेडिंग में आपके जैसे बारात के शॉट हो गए, दूल्हे की एंट्री, दुल्हन की एंट्री या डांस या डीजे वाले कुछ मूवमेंट्स, आप हाई फ्रेम रेट या वेरिएबल फ्रेम रेट, जो भी मेरे पास कैमरा है लूमिक्स, पैनासोनिक लूमिक्स GH5, इसमें मेरे पास 180 FPS तक की आज़ादी है जो कैमरे के अंदर इनबिल्ट ही शूट करके देता है सुपर स्लो मोशन में। तो जब मेरे पास ऐसे कैमरास है तो इसमें मैं स्लो मोशन कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास जो पुराने कैमरा है उसमें अगर आप स्लो मोशन नहीं कर सकते हो तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे? आपके कैमरे में 50 या 60 FPS की फैसिलिटी होगी, वो वहाँ पे शूट कीजिए। ऐसे ऐसे कुछ जो भी शॉट हो वो पूरे शॉट, पूरी वेडिंग न करते हुए ऐसे शॉट आप 50 या 60 में शूट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में जब आप उसको 24 FPS पे प्लेबैक करते हो या एडिटिंग में आप उसको 24 FPS कर देते हो, तब आपको फुटेज बहुत ही स्मूथ और स्लो मोशन आपकी बहुत ही अच्छी निकलेगी। तो हाँ दोस्तों, आज मैंने आपसे वीडियो के लिए काफ़ी सारे बातें की, और ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं और बनाना चाहता हूँ और बनाऊँगा। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देते हो कि नेक्स्ट मैं वीडियो किस सब्जेक्ट पर बनाऊँ, तो नीचे जाइए और कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट छोड़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और बहुत ही जल्द मैं ऐसे DSLR के बहुत सारे पॉइंट और बहुत सारे टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आओ जो कट करो।